हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फर्स्ट टाइम किसी गर्ल्स का आईब्रो कैसे बनाना चाहिए, कितना चौड़ा रखना चाहिए, किस टाइप से थ्रेड पकड़ना चाहिए। उनका आईब्रो और फॉरहेड दोनों करके दिखाने वाली हूँ। और आज आई थी मैं लाइव, जिसमें मैंने बताया कि आईब्रो बनाना सीखने के लिए आपको धागा कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, सेल्फ थ्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, दूसरों का थ्रेडिंग करने के लिए धागा कैसे पकड़ना चाहिए। आईब्रो से सारी डाउट्स आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, मेरी लाइव वीडियो में जो कि अभी अपलोड हो रहा है। तो अभी मैं ये शूट कर रही हूँ और मैंने उसमें बोला था कि मैं ये वाली वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी, तो ये वाली अपलोड करने के लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये टी शर्ट आप जानते होंगे, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका टाइटल था कि तेल लगे हुए बालों में हेयर स्टाइल कैसे करें, तो वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। 27-28 के तक उस पर व्यू हैं। तो ये वाला टी शर्ट पहना हुआ था मैंने उसमें, तो आज बहुत दिनों के बाद से 1-1.5 साल पहले मैंने उसको वीडियो बनाया था और बहुत दिनों के बाद आज मैंने दोबारा ये टी शर्ट डाला था। तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ तो किस तरीके से थ्रेडिंग करना चाहिए फर्स्ट टाइम किसी गर्ल्स का, वो मैं बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। एक्चुअली क्या हुआ कि ये गर्ल्स आई थी, मैंने जैसे अभी रक्षाबंधन का टाइम चल रहा है तो आईब्रो के लिए ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, तो आईब्रो मैं करते रहती हूँ, लेकिन इनका फर्स्ट टाइम था तो मैंने एक थ्रेडिंग इनकी बना दी थी। लेकिन जब दूसरा बना दी थी तो मुझे ध्यान आया कि मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने उनका वीडियो शूट करवाया। बट उनके साथ ही उनकी एक सिस्टर या फ्रेंड जो भी हो, उन्होंने ये कैमरा होल्ड किया हुआ था तो इधर उधर कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियरली दिख गया है, मैंने एडिट करके उसको ठीक किया। तो चलिए किस तरीके से बनाना चाहिए आपको थ्रेडिंग, कैसे सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने आईब्रो थ्रेडिंग बनाने के लिए धागा कैसे पकड़े, कैसे चलाएं बताया हुआ है, तो वो भी देख लीजिएगा। और मेरे वीडियो चैनल पे आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि CTM कैसे करना चाहिए, मेकअप कैसे करना चाहिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पार्लर का काम लेकर आने, नेल को कैसे सेट करना चाहिए, नेल आर्ट वगैरह सब कुछ लेकर आऊँगी। तो मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, तो सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। और हाँ, एक और ज़रूरी बात है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिस ब्लॉग चैनल है उसकी मेरी ब्लॉगिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी। जो भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैम आप कैसे हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप कहाँ से हो, आपने कितने पढ़े लिखे हो, आप क्या करते हो, सब कुछ मैं उस वीडियो में चैनल में अपना अपलोड करते रहती हूँ, तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारी फ़नी वीडियोज़ भी आप लोग को मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। तो आज का वीडियो थ्रेडिंग के लिए, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन है उसको क्लिक करके ग्रे बटन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये हैं गर्ल्स जिनका थ्रेडिंग करना है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इनके फोरहेड पे और आईब्रो पे दोनों पे ही हेयर हैं, तो मैं इनका थ्रेडिंग करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नोज के पास के हेयर को रिमूव कर लूँगी, मैंने उस साइड की आईब्रो बना दी है, तो इस साइड का अब बना रही हूँ, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे इस तरीके से धागे को रखते हुए, ओके, एक अच्छी सी लाइन उठाव देते हुए इस तरीके से बनाते जाएंगे। देख सकते हो फॉरहेड भी पूरा करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो देखते रहिएगा। तो इस तरीके से आराम आराम से, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। इन्होंने कैमरा बहुत ज़्यादा जूम कर लिया, प्लीज़ डोंट माइंड गाइस। तो इस तरीके से हेयर को पूरा धीरे धीरे रिमूव करेंगे और एक अच्छी सी शेप, अच्छी सी लाइन बनाते हुए पूरा हेयर को रिमूव करेंगे। ये देख सकते हो कितनी अच्छी सी ऊपर से शेप बन गई है थ्रेडिंग की, और यहाँ के हेयर्स को अच्छे से रिमूव करेंगे। एकदम स्किन, धागे को स्किन पे बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, और एकदम बस हल्का सा टच देते हुए हेयर को जल्दी से एकदम खींच देना है, ज़्यादा दबाव भी नहीं देना और ज़्यादा आराम आराम से भी नहीं करना। और यहाँ ध्यान रखिए कि फ़र्स्ट टाइम कस्टमर आता है आपके पास थ्रेडिंग करवाने, तो उसको बहुत ज़्यादा अंदर से डर होता है कि मेरी मुझे बहुत पेन होगा, तो आप उसके लिए उसको आइस पहले आईब्रो पे रगड़ दीजिए, उसके बाद से थ्रेडिंग करिए तो उनको दर्द कम होगा, या फिर गुलाब जल अप्लाई करके 5 मिनट छोड़ दीजिए उसके बाद से थ्रेड करिए तो उनको दर्द बहुत ही कम होगा। तो आप ये दोनों ट्राई कर सकते हो पेन ना हो इसके लिए। तो नीचे से आप देख सकते हो हल्के हल्के हाथों से पूरे थ्रेडिंग हेयर को धीरे धीरे रिमूव करेंगे, ओके। एकदम आराम आराम से लेके जाइए, जैसे ही हेयर आपके धागे में आए आपको धागे को खींच लेना है, ओके।
तो ये हो गया पूरा थ्रेडिंग लगभग कंप्लीट। अभी फोरहेड बाकी है तो फोरहेड करेंगे। आप देख सकते हो साइड से मैंने बिल्कुल भी हेयर को नहीं निकाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो इनके साइड की ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम है, तो वैसे ही छोड़ दिया जाएगा ताकि बाद में इनकी ग्रोथ वैसे ही लंबी हो जाए। तो इस तरीके से अच्छा सा शेप हो गया है, अच्छी सी लाइन दे देते हैं साइड से। ऐसे कस्टमर को अपना हेयर पकड़वा देना है एक हाथ से, और हेयर को वो लोग होल्ड कर लेंगे, उसके बाद से आप इनके फोरहेड के हेयर को रिमूव कर दे। देख सकते हो फोरहेड पे कितना ज़्यादा हेयर है, तो उसको रिमूव कर लेते हैं बिल्कुल आराम आराम से। तो जब तक इनका पूरा थ्रेड कंप्लीट ना हो जाए, मतलब सारे हेयर रिमूव ना हो जाए, तब तक हम पूरे हेयर को रिमूव करेंगे। तो आप लोग को मुझे भी देखना होता है कि कैसे कर रही हूँ थ्रेडिंग, इसलिए मैंने बोला कि मेरा भी थोड़ा सा ले लीजिए। तो इस तरीके से पूरे हेयर को पकड़वाएंगे और सारे फॉरहेड के हेयर्स को रिमूव करेंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हो पूरे फॉरहेड के हेयर अच्छे से रिमूव हो चुके हैं। तो सारे फोरहेड के हेयर रिमूव हो गए। अब अच्छे से हेयर को साफ़ कर देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट कर देंगे। आईब्रो का जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट कर देंगे। उसके बाद से मैं इनका फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने कट कर दिया और चलिए पूरा आईब्रो का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। अभी मैंने इसके बाद से मैं कैमरा अपने हाथ में ले लूँगी और फिर अच्छे से आपको इनका फाइनल लुक दिख जाएगा। तो ये आई होप आप लोगों की थ्रेडिंग अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इस वाले वीडियो में नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बहुत सारी वीडियो डाली हुई है इसमें, जो जिन्होंने कैमरा होल्ड किया था काफ़ी इधर उधर हिला रही थी, तो आप दूसरे वीडियो में भी चेक कर सकते हो। बहुत सारी थ्रेडिंग की वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और मैंने धागा भी बताया हुआ कि धागा कैसे पकड़ना चाहिए, सेल्फ के लिए कैसे करना चाहिए, दूसरों के लिए कैसे करना चाहिए, तो सब कुछ बताया हुआ है। तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। और बहुत सारी पार्लर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं, जैसे कि हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल, हेयर हाईलाइटिंग, हेयर कलर कैसे करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। मेकअप कैसे करना चाहिए, ब्राइडल मेकअप, सिंपल मेकअप, न्यूड मेकअप, सब कुछ, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जो भी सीखना हो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम और भी वीडियो बना के या फिर लाइव आके आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल पर गए ना, जल्दी जाओ यार, सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को भी, और मुझे उस पर भी थोड़ा सा चैनल को ग्रो करवाने में हेल्प कर दो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइस।